नमस्कार दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं वो है राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के द्वारा निकली सिविल न्यायाधीश संवर्ग में सीधी भर्ती। ओके, तो अब आप देखिएगा RJS राजस्थान जुडिशियल सर्विस की वैकेंसीज आ चुकी हैं 2021 के लिए। अब यहाँ पर कितने पद रिक्त हैं हम वो देखते हैं। तो आप देखिएगा, पिछले साल COVID-19 की वजह से एग्जाम्स नहीं हो पाए, उस वजह से पिछले साल और इस वर्ष की अगर हम भर्तियों की बात करें तो आप देखोगे कि यहाँ पर पिछले वर्ष की 89 यानी 89 वैकेंसीज पिछले साल की हैं और 31 वैकेंसीज इस साल की हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ठीक है, इन दोनों साल की अगर वैकेंसीज को मिलाया जाए तो 120 वैकेंसीज यहाँ पर है। उसके बाद विभिन्न वर्गों में आरक्षण भी इसमें दिया गया है और उसमें आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए, दिव्यांगजनों के लिए, अनुसूचित जाति जनजातियों के लिए ठीक है और के लिए आरक्षण दिया गया है। लेकिन अब जिस पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं आप उसी पद में, जैसे कि आपने अगर अति पिछड़ा वर्ग में अपना सर्टिफिकेट आपने प्रस्तुत किया है और अपने आप को योग्य मानते हैं तो ऐसी कंडीशन में आप वहां पर ही योग्य होंगे उसी कैटेगरी में, ठीक है ना, उसी कैटेगरी का लाभ उठाने के लिए आप पात्र माने जाएंगे। उसके अलावा देखेंगे इसमें आपको जिस भी कैटेगरी में वेरियस कैटेगरीज जो दी गई हैं अगर आप उसमें अप्लाई कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होगा, कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण बात आ जाती है, आप फिजिकली फिट होने चाहिए इस एग्जाम के लिए, आपको भारत की राष्ट्रीयता प्राप्त होनी चाहिए। अब एक महत्वपूर्ण बात जो RJS में एग्जाम्स के एज से संबंधित दी गई है, अगर आप इस एग्जाम में प्रेजेंट हो रहे हैं ठीक है ना, अभी अगर आप एग्जाम में अपीयर हो रहे हैं ठीक है ना, तो अब इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आप 1 जनवरी 2022 को आपकी उम्र कम से कम मिनिमम 21 साल और अधिकतम 40 वर्ष पूरी हो जानी चाहिए ठीक है। लेकिन राजस्थान के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और महिला आवेदकों के लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है ठीक है ना। तो ये चीज याद रखिएगा, एक तो कि महिलाओं को 5 वर्ष की छूट है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 5 वर्ष तक की छूट दी गई है और दिव्यांगजनों को भी छूट दी गई है जो राज्य सरकार द्वारा समय समय पर बताई जाएगी ठीक है। लेकिन इसके साथ एक स्पष्टीकरण और आपको देखने को मिलेगा ठीक है। अब वो स्पष्टीकरण की अंतिम बार वर्ष 2018 में सिविल न्यायाधीश संवर्ग में जो विज्ञापन में जो आयु सीमा की जो गणना की गई थी वो गणना की गई थी 1 जनवरी 2020 के आधार पर ठीक है। अब इस विज्ञापन द्वारा जो आयु सीमा की गणना की जा रही है वो 2022 को ध्यान में रखते हुए की जा रही है। लेकिन अगर आप पिछले साल अगर ये परीक्षा की जाती यानी ठीक है ना, तो ठीक है ना की जाती, मतलब अगर पिछली बार होती तो हम 2021 को ध्यान में रख के करते, अगर 2020 में अगर परीक्षा आयोजित की जाती तो क्या कहते हैं हम 1 जनवरी 2021 को ध्यान में रखते, और इस बार हमने जो उम्र क्या दी है 1 जनवरी 2020। तो अगर आप पिछले साल इस परीक्षा में बैठने के लिए पात्र होते तो इस वर्ष भी आप इस परीक्षा को देने के लिए पात्र माने जाएंगे। तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस परीक्षा को पात्र आप इस परीक्षा को देने के लिए पात्र माने जाएंगे, एक तो ये चीज याद रखें। दूसरा है इसमें कि इस सेवा में सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए जो उसे सेवा में नियोजन के लिए क्वालिफाई करे, अहरित करे, तो आपका गुड कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसके लिए जरूरी है। उसके बाद है परीक्षा शुल्क, इसमें कि परीक्षा शुल्क आपका 1000 रुपीज, 750 रुपीज, 500 रुपीज अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है और इसे वापस नहीं किया जाएगा। और अगर कोई व्यक्ति जो क्वालिफिकेट है, क्वालिफाई है, अगर किसी ने एक से ज्यादा शादियां करी है वो डिस्क्वालिफाई माना जाएगा ठीक है ना। अगर उसे किसी सरकार, उच्च न्यायालय या सरकार या किसी स्टेचुटरी बॉडी के द्वारा या लोकल अथॉरिटी के द्वारा पदच्युत किया गया, डिसमिस किया गया, रिमूव किया गया है ठीक है ना, अगर इसने कोई मोरल टर्पिट्यूड का एक्ट किया है ठीक है, और अधिवक्ता अधिनियम 1961 के किसी प्रावधान का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है और राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 के प्रारंभ की तारीख के पश्चात 2 से अधिक संतानें हैं ठीक है ना, जिसकी 2 से अधिक संतानें हैं उसे डिस्क्वालिफाई माना जाएगा ठीक है। अब इसमें आते हैं हम परीक्षा स्कीम और पाठ्यक्रम जो है इसका ठीक है। अब देखोगे आप इसमें
परीक्षा स्कीम और उसके पाठ्यक्रम की अगर बात की जाती है, द कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ सिविल जज शैल बी कंडक्टेड इन टू स्टेजेस, प्रिलिमिनरी एंड मेन एग्जामिनेशन. द मार्क्स ऑब्टेन इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन टू द मेन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग फाइनल मेरिट. मतलब आपका जो प्राइमरी जो एग्जामिनेशन प्रिलिमिनरी जो एग्जामिनेशन होगा वो सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जाम होगा, उसके अंकों को हम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेंगे. ठीक है, इसके अंकों को हम फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ने वाले. द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द मेन एग्जामिनेशन विल बी 15 टाइम्स द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज. अगर देखिए 120 वैकेंसी है तो इसका 15 गुना लोगों को लिया जाएगा मेन एग्जामिनेशन में. तो मेन एग्जामिनेशन में कैसे पास किया जाएगा, एक तो आपका जो भी क्वालिफाइंग मार्क्स हो वो आपने गेन किया हो और जो भी वैकेंसीज है उसके 15 गुना लोग लिए जाएंगे. तो कट ऑफ कितना जाता है ये काफी हद तक डिपेंड करता है. अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि टू क्वालिफाई फॉर मेन एग्जामिनेशन, अगर आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स सिक्योर करने होंगे और बाकी कैटेगरीज के लिए ये 45% मार्क्स आपको गेन करने होंगे. द नंबर ऑफ कैंडिडेट टू बी एडमिटेड टू द इंटरव्यू शैल बी एज फार एज प्रैक्टिकेबल 3 times द टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी. और यहाँ पर जब हम बात करें इंटरव्यू की तो 3 times ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज इसमें जो कैटेगरी वाइज इसमें आएंगी. ठीक है ना, तो प्रोवाइडेड दैट टू क्वालिफाई फॉर इंटरव्यू अ कैंडिडेट शैल हैव टू सिक्योर मिनिमम 35% मार्क्स इन ईच ऑफ लॉ पेपर, अलग अलग लॉ पेपर में 35% और एग्रीगेट आपका 40% मार्क्स उसमें होने चाहिए. ठीक है, अब इसमें सिलेबस अगर आप देखा जाएगा कि जो लॉ का जो सिलेबस होगा प्रीलिमिनरी के लिए वो सेम वही होगा जो आपका किसमें दिया गया है, लॉ पेपर 1 और पेपर 2 में दिया गया है. हिंदी प्रोफिशिएंसी की बात की जाती है तो वो शब्द रचना, संधि, संधि विच्छेद, समास, उपसर्ग और प्रत्यय. ठीक है, शब्द प्रकार है, ठीक है ना, और शब्द ज्ञान, शब्द कोटियां, वाक्य रचना, वाक्य शुद्धि, विराम चिन्ह, मुहावरे, पारिभाषिक शब्दावली. इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए टेंस, आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स, ओके, फ्रेजल वर्ब्स एंड इडियम्स, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, कोऑर्डिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, मॉडल एक्सप्रेसिंग वेरियस कंसेप्ट, ये सारी चीजें आएंगी इसमें. तो लॉ पेपर, अब इसमें अगर मेन एग्जामिनेशन देखा जाए तो ये लॉ पेपर 1, लॉ पेपर 2, हिंदी ऐसे, इंग्लिश ऐसे. ठीक है, इंटरव्यू होगा आपका 35 marks का, तो ये 335 number का पूरा पेपर होगा. उसके बाद लॉ पेपर में आप देखेंगे, देखिए सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, लिमिटेशन SRA, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स, द राजस्थान ड्रेन कंट्रोल एक्ट, ऑर्डर, जजमेंट राइटिंग. ठीक है, लॉ पेपर 2 में CRPC, एविडेंस, IPC, JJ एक्ट 2015 का, NI एक्ट आ गया, चैप्टर इसका केवल 17 दिया गया है, प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, द इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट, द प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज एक्ट 2012, सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013, फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस एंड जजमेंट राइटिंग. पेपर 1 एसे इन हिंदी लैंग्वेज, पेपर 2 एसे, इंग्लिश एसेज, एसे इन इंग्लिश लैंग्वेज. ठीक है, इंटरव्यू में जनरली प्रश्न पूछे जाएंगे और आफ्टर इंटरव्यू अ लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट शैल बी प्रिपेयर्ड इन ऑर्डर टू देयर परफॉर्मेंस ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्रीगेट मार्क्स. इफ 2 or more of such candidates obtain equal marks in the aggregate, they shall be arranged in order of merit on the basis of their general suitability for service and their names shall be recommended for the appointment accordingly. ठीक है, तो ये जनरली है कि इसमें समय सीमा याद रखिएगा कब ये एग्जाम अप्लाई, कब आप अप्लाई कर सकते हैं, तो 30 जुलाई 2021 शुक्रवार 1 बजे से लेकर, ठीक है, 31 August, ठीक है, अगस्त तक, 31 अगस्त को शाम 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन. और ऑनलाइन परीक्षा शुल्क समान, ऑनलाइन आवेदन करने की सीमा है 30 जुलाई से 1 सितंबर रात्रि 11:59 तक आप इसे, आप इसमें शुल्क जमा करा सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन कहाँ किया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा कराने के लिए उपरोक्त समय सीमा के पश्चात पोर्टल का लिंक निष्क्रिय होगा और आवेदकों को सलाह दी जाती है कि ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार ना करें, जल्दी से जल्दी आप इसमें अप्लाई करें. तो देखिएगा इस प्रकार से, इस प्रकार से आप
आरजेएस की तैयारी कर सकते हैं। और आरजेएस की तैयारी करने के लिए मैं एक और आपसे बात कहूंगी कि हम अब इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं उसके अनुसार आपको यहाँ पर सीरीज अवेलेबल होगी। तो बने रहिए सफलता सुविधा में हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, नमस्कार।